अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पैरामेट्रिक टेस्ट के यूजेस शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताया था कि इनमें क्या क्या अजम्पशंस हैं, कि जब डाटा कैसा हो तो हमने पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में टेक्निक्स अप्लाई करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके यूजेस शेयर करने वाली हूँ कि पैरामेट्रिक टेस्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमारा डाटा किस तरह का होना चाहिए तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी टी टेस्ट से, इसको शुरू करते हैं कि टी टेस्ट हमारा एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट का जो रियल नेम है, कंप्लीट नेम है, वो स्टूडेंट टेस्ट है जी, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं जी, ठीक है। टी टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास दो ग्रुप होंगे, जैसे कि मेल फीमेल हो सकते हैं, कोई से भी दो ग्रुप हो जाएं, या आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, दो डिफरेंट ओकेजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारी होती है प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन, ओके ये ना जाते हैं। तो इस पे हम दो ग्रुप्स के दरमियान मीन स्कोर के डिफरेंस को चेक करने के लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएं, दो डिफरेंट कोई पॉइंट्स हो जाएं, प्री इंटरवेंशन या पोस्ट इंटरवेंशन, प्री और पोस्ट इंटरवेंशन, ठीक है जी। तो टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, ये भी मेन मेन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इनकी दो ग्रुप्स होंगे, मेल हो जाए, फीमेल हो जाए, कोई से भी दो ग्रुप्स हो जाएं जो आपने अपने डाटा के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, या दो डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएं, जैसे प्री या पोस्ट इंटरवेंशन आपने किए एक्सपेरिमेंट टेस्ट में, तो उनके मीन स्कोर के दरमियान डिफरेंस को देखने के लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी अनोवा की, अनोवा, क्योंकि अनोवा भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो अनोवा कब हम यूज़ करेंगे, जब हमारे मोर देन टू ग्रुप्स होंगे, टू ग्रुप्स हैं तो डिफरेंस देखेंगे हम मीन स्कोर का टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और मोर देन टू ग्रुप्स होंगे तो फिर हम अनोवा अप्लाई करेंगे। और इसकी भी सेम यही चीज़ होगी, आपके जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मेल फीमेल, इससे ये मेल फीमेल तो टी टेस्ट ही अप्लाई होगा। इसमें आपके डिफरेंट एज ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है, जैसे अनोवा अप्लाई करने के लिए आपका एज ग्रुप आ जाए, एज के आप जितने मर्जी फैक्टर्स बना लें, एज ग्रुप है, और इसके अलावा जो भी आपके डाटा की नेचर है वो हो जाएगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है जी पेयर्ड सैंपल या रिपीटेड मेजर्स। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपका जो टेस्ट है उसमें आपने जो पॉपुलेशन, आपका जो सैंपल है वो आपके एक से ज़्यादा, मतलब कि उसमें आपका जो ग्रुप यूज़ हो रहा है वो सेम ग्रुप होगा लेकिन जो उसके ओकेजंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल इसमें यूज़ होगा, ठीक है, ग्रुप सेम होगा लेकिन जो टाइम है या जो ओकेजन है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ लें कि दो डिफरेंट टाइम में हमने सेम लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, आसान सी ज़ुबान में, ठीक है, कि दो डिफरेंट टाइम है तो हमने जो ग्रुप है वो हमारा सेम होगा। आज भी हमने उन्हीं लोगों से डाटा कलेक्ट किया है तो कोई महीने बाद या हफ्ते बाद फिर हमने उन्हीं ग्रुप से ही डाटा इकट्ठा करेंगे, तो इसको कहते हैं जी पेयर्ड सैंपल रिपीटेड मेजर्स। नेक्स्ट है जी इंडिपेंडेंट सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल या बिटवीन ग्रुप्स जो अनोवा वगैरह यूज़ होता है, इनकी क्या अजम्पशंस है कि ये आप कब अप्लाई करते हैं, जब आपका हर ग्रुप, मतलब जितने भी आपने ग्रुप यूज़ किए हैं दो या दो से ज़्यादा, आपका जो हर ग्रुप है ना उसमें जो आपके सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप होगा। एक पर्सन जो एक ग्रुप में शामिल है वो दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होगा, तो ईच ग्रुप जो होगा, हर ग्रुप जो होगा उसमें क्या होंगे, डिफरेंट पीपल होंगे या डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, या कह ले वो इंडिपेंडेंट होंगे। कोई एक दूसरे पे असर अंदाज नहीं हो रहा होगा,
हर किसी की इंडिविजुअली अपनी एक पहचान होगी, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी वन वे अनोवा। वन वे अनोवा हम कब अप्लाई करते हैं कि जब आपका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जी, ठीक है। अनोवा कब हम अप्लाई करेंगे, जब आपका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि आपका समझ लें कि सिर्फ जेंडर है, सिर्फ एक ही जेंडर होना चाहिए इसके अंदर, कोई मेल फीमेल के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं देखा जा रहा होगा, सिर्फ एक ही होगा उसमें आपने या मेल ले लेंगे या फीमेल ले लेंगे बस। इसी तरह आपका जो यहाँ पर वन वे है, नेक्स्ट आ जाएगा जी टू वे अनोवा, और इसमें क्या होगा कि इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो टू वे में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ये सेम है, ये वन है तो यहाँ पर ये टू हो गए हैं जी। समझ लें कि एक आपने जेंडर यूज कर लिया तो दूसरा आप एज ग्रुप यूज कर लेंगे, ठीक है जी। अनोवा वन वे में क्या होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो एक होगा, ओनली वन वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट होगा, जैसे कि जेंडर मेल ले लें या फीमेल ले लें। टू वे अनोवा में क्या होगा कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हो जाएंगे, एक जेंडर ले लें और दूसरा आप एज ग्रुप ले लें। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी मनोवा और एनकोवा। मनोवा एंड एनकोवा इसको कहते हैं जी मल्टी वेरियंस ऑफ अनोवा, और इसको कहते हैं जी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। अच्छा, मनोवा कब यूज करते हैं, जब आपका एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होते हैं। पहले हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में चीजें पढ़ी थी, अब मनोवा में क्या होगा, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जी, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी लेवल है, डिप्रेशन है, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी एनकोवा का। तो एनकोवा यूज होता है कि आपने जब कोई एडिशनल वेरिएबल यूज किया है अपने ग्रुप में, जो कि आपके डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उसको आप कंट्रोल करने के लिए, उस एडिशनल वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए आप एनकोवा यूज करते हैं। समझ, बस इसका इतना याद रख लें कि ये कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। किसको कंट्रोल करने के लिए, जो एक एडिशनल वेरिएबल यूज किया गया है। एडिशनल वेरिएबल यूज किया गया है किसके लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कोई एडिशनल वेरिएबल यूज किया गया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एनकोवा यूज करते हैं। तो ये थी जी डिटेल जो पैरामेट्रिक टेस्ट हमने पढ़े थे उनके बारे में और इनके यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकी मज़ीद जो डिटेल है वो सारी डिस्कस करेंगे कि टी टेस्ट क्या है और टी टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, अनोवा क्या है, उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह। तो हम इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी टर्म्स को फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।